उस टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि हेलो एवरीवन। तो ज़िंदगी में ना आप जब कुछ और सोचते हो और अचानक से आपकी लाइफ में कुछ और हो जाता है तो समझ ही नहीं आता है कि यार हमने तो क्या सोचा था और अचानक से ये क्या हो गया। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कुछ उसी से रिलेटेड दिखेगा, जो अचानक से आप मुझे इतना हंसते खेलते देखोगे, फिर अचानक से एक अलग ही चीज़ हो गई मेरे साथ जिसकी वजह से मैं, मेरा दोनों परिवार बहुत ही परेशान है। सुबह का समय था, मैं उठी, नहाई और नहा के पूजा पाठ किया। आज 8 तारीख है और पूजा किया। मुझे ना हॉस्पिटल जाना है। आप सबको पता है पिछले 3-4 महीनों से मेरी हेल्थ कंडीशन कैसी रही है और किस तरीके से रही है। नोएडा कौन रहता है? कौन रहता है नोएडा? आप यही नानी के पास रह जाओ, मम्मा आ जाएगी। क्या हुआ? नोएडा जाने के लिए रो रही है। अच्छा जाओ चलो, चप्पल पहना दो, चप्पल पहना दो, चप्पल चप्पल जाओ। कहाँ जा रहे हो? रोज चलता है। आप सबको पता है जो मेरे डेली ब्लॉग्स जो देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मेरा जो तबीयत है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मेरी मेडिसिन चल रही है। मैं एडमिट भी थी, आप सभी को पता है। तो उससे ही रिलेटेड 8 तारीख को मेरे कुछ टेस्ट थे जो मुझे कराने थे, तो इसीलिए मैं अपने मायके थी, लेकिन मेरा हॉस्पिटल नोएडा में ही है तो मैं वहाँ से सोचा कि यहाँ आ जाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी थी तो उन्होंने बोला कि मैं भी आ जाता हूँ, मिल भी लेंगे और आपकी मेडिसिन और टेस्ट वेस्ट भी करा लेंगे। तो मम्मी को पता चला तो उन्होंने बोला कि धनवी को भी लेते आओ, धनवी को यहाँ छोड़ देना और धनवी को हम खिला लेंगे थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। तो मैंने बोला चलो ठीक है। इतने में रास्ते में धनवी की जो तबीयत है वो बिगड़ने लग गई, उसके पेट में दर्द होने लग गया। और क्या हुआ था ना कि भैया की जो गाड़ी थी उसमें CNG ख़त्म हो गई, तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, 1-1.5 घंटे में गाड़ी में हो गया था। प्लस उसके बाद जो AC है वो भी वर्क नहीं कर रहा था और कुछ आ नहीं रहा था जहाँ पे वो CNG वगैरह वो कराए। फिर मैंने इनको फ़ोन किया तो वो आ गए, आधे रास्ते में हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ पर ये आ गए थे हमें लेने, और फिर वहाँ से इन्होंने हमें अपने साथ ले लिया। और लेने के बाद फिर हम लोग जो धनवी है, धनवी को सोचा कि घर पे छोड़ देते हैं और घर पे छोड़ने के बाद मैं हॉस्पिटल चले जाएंगे हम दोनों जने। मुझे से देखो कौन है। अब पेट का दर्द गायब हो गया। क्या हो गया? पेट में दर्द हो रहा है उसको। क्या हुआ? पापा मिस गए। पापा को मिस कर रहे थे? कितने दिन बाद मिले थे पापा? कितना मिस कर रहे थे? 20 days बाद। मैं भी आ जाऊँ आपको? अब देखते हैं अपनी बेटी से मिले हो, उससे नहीं मिले हो। कहाँ चलेंगे? घूमी घूमी जा रहे हैं। दादी से मिलने जाऊँगी? हाँ। नहीं छोड़ो ना, दादी से क्या मिलना? हाँ? दादी से क्या मिलना, छोड़ो, मिलना है। हाँ। मिलना है? दादी की भी। दादी को भी मिस कर रहे थे? हाँ। और भैया को? भैया को भी। और किसको कह रहे थे? और बड़े पापा को, मेरे पापा को, बड़ी मम्मा को, मेरी मम्मा को। पापा को कितना मिस कर रहे थे? और नोएडा अपने घर को नहीं मिस कर रहे थे? अपने घर को नहीं मिस कर रहे थे? कर ली थी। हम आए नहीं है, बस मिलने आए हैं।
आज हम निकले हैं क्वालिटी डेट पे। साला शादी बच्चा हो जाने के बाद कोई हस्बैंड वाइफ कैसे क्वालिटी डेट नहीं होता। इसको मैं नहीं लेके आ रही थी लेकिन बीच में एकदम हो गई, नहीं मम्मा यहीं नोएडा जाऊंगी, देखना कैसे लौटा देता कर रही थी। खाली ये कह रही था कि नहीं आप नहीं जाओगे। मुझे मेरी दादी की याद आती है मम्मा, पापा की भी याद आती है। हाँ। जाना है मम्मा। आप फोन पे तो लेकिन हम बात ही नहीं करते थे। ओ। वाले फोन बलून कहाँ है? बलून तो नहीं है। दादी बाबा जब देखेंगे आपको तो कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे बता। मुझे भैया ढूंढ रहा है। हाँ भैया भी ढूंढ रहा था। भैया बोल रहा था चाचू सुबह धनवी को ले आओ। मैंने बोला नहीं धनवी और आप तो लड़ाई करते हो, अब धनवी को नहीं लाएंगे। तो भैया बोला अब नहीं लड़ाई करेंगे चाचू ले आओ। अब नहीं लड़ाई करोगे ना, है ना? मैं नहीं जा रही। आप ही अभी तो आप बोल रहे थे बाबा कहाँ है, दादी कहाँ है। दादी को थोड़ा कंधा ले लो। अब थोड़ा खेलो बाबा साहब। अच्छा दादी से किधर जाओ, पूछी करो बाबा को इतने दिन हो गए। बाबा कद पूछी कर। जाओ दोनों जाओ दादी पास। इधर अकल क्यों नहीं आ रही? तो क्यों गई थी नानी के पास? रास्ते में एकदम वो कैब वाले बेचारा, मैं उल्टी होगा तो बता देना, एकदम मन एकदम वो कर ली थी। क्यों ओह इतना सब कुछ लाए। अब अपन रूम देखिए बहुत दिन बाद। पानी दी गाड़ी बहुत दिनों बाद आई है तो पूरा एकदम रूम में ऐसे कूद रही थी, खेल रही थी, जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या है।
धनवी को ना मतलब ऐसे ही है, जहाँ रहेगी वहाँ, मतलब अभी दादी बाबा के पास है तो दादी बाबा की होके, नानी के पास है तो फिर नानी की होके, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों के साथ यही दिक्कत होता है कि जहाँ रहेंगे वहाँ इतना अपने मस्ती में रहेंगे कि उनको और किसी की याद नहीं आएगी। फिर उसके बाद हमने धनवी को यहाँ पे छोड़ दिया था और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल निकल गए। धनवी को घर पे छोड़ दिया है, वो अपना टाइम स्पेंड करेगी अपने, और हम दोनों जने निकले पड़े हैं। कोई लॉन्ग ड्राइव पे नहीं है, कुछ ड्राइव पे और एक डेट। मुझे लगता है वो डेट और वो तो बस हो ही गया, बच्चा होने के बाद कोई डेट कुछ नहीं। मैं तो लेके चल रहा हूँ, चलो बड़ा लेके चल रहा हूँ। अभी 10 मिनट बाद फोन आएगा कि धनवीर रो रही है। और गाइस कैसा, बहुत मिस कर रहे थे लोग आपको, आप भी मिस कर रहे थे ना लोगों को? हाँ, मैं लोगों को भी मिस कर रहा था, मैं बीवी बच्चों को भी मिस कर रहा था। बिल्कुल यस, मैं सोचा था अपना एक यूट्यूब चैनल बना लूँ अलग से निक्की को कंपटीशन देने के। बस मेरे को कंपटीशन देने के लोग कम है कि आप भी आ जाओ लाइन में एकदम। लेकिन मैंने सोचा नहीं, निक्की को, निक्की बहुत वो हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी मेरे आगे, इसलिए मैंने सोचा नहीं निक्की को भी चलने देते हैं। और बताए, सब कह रहे थे कि लाइव में ज्वाइन करने के लिए आपको लागे, लेकिन हमें आता ही नहीं है। मैंने आपको बोला था किसी से सीखो एक बार, मुझे आता ही नहीं। और आजकल मैं कहां ब्लॉग ना बना पा रही हूं, ना लाइव आ पा रही थी, कुछ भी नहीं। आजकल मेरा सिर्फ माइके में रेस्ट चल रहा है। कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, बैक विद द बैंक, तो आएंगे, देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, धड़क धमाके के साथ आएंगे। फिलहाल भाई स्वास्थ्य तो सब कुछ है, अभी वो जरूरी है। तो गाइस मेरा, आप सबको पता है मेरी तबीयत वगैरह का, तो मेडिसिन वगैरह थोड़ी बहुत ख़त्म हुई थी, तो फिर वही मेरे को लेना था, तो मैं आ गई कि आज इन सबसे सबसे धनवी को भी मिलवा दूँ, क्योंकि मम्मी पापा कितने दिन से बोल रहे थे। हाँ, निक्की की तबीयत है बिल्कुल ठीक, ये है निक्की का रूटीन चेकअप, तो उसके लिए निक्की आई है। और मेडिसिन भी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी तो वो भी लेनी थी, तो इसीलिए मैं आ गई। सबसे मेन तो मिलना था सबसे भाई, कितना दिन हो गया, 15-16 दिन तो हो ही गया है। देखिए इसीलिए हमने बुलाया नहीं है भाई, लड़की खुद आई है मैंने अपने मायके को छोड़ के, इसलिए कोई हमें ब्लेम ना करे। और यहाँ एज यूजुअल मुझे लगता है आज गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली। और विक्की कह रहा था कि क्या है भाई, जीजू आ क्यों नहीं रहे, कह रहा है कि कह रहा था आज लेके आने के लिए, कल मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं रहूंगा तो जीजू क्या करने आएंगे। एसी खराब है सही में यार। चलो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं डॉक्टर के पास, अभी अपना सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, बाय। नानी के घर नहीं जाओगे? दब जाओगे ना पापा सोने, इधर आओ, दब जाओगे बेटा। उसके बाद रात के 8 या 9 बज गए थे, मैं जा रही हूँ वापस मेरे मायके। क्या बताऊँ, मतलब जो टेस्ट थे आज, जो टेस्ट कराने थे, वो टेस्ट मेरे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ख़राब आए हैं, और इतने ख़राब आए हैं कि मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबका इस टाइम पे एकदम दिमाग ऐसा है, क्योंकि आपको पता है मैं पहले ना इतना कभी कुछ ऐसा होता नहीं था, अभी मेरे को ना कभी कुछ ऐसा होता है। और हमें इस बार उम्मीद थी कि सारी चीज़ें ये जो भी है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि 3-4 महीने हो गए कंटिन्यू, बट इस बार तो हर बार से चीज़ें बहुत ही अलग और वो हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे रात को ही अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि मेरी मेडिसिन्स, धनवी का सब कुछ वहीं पे था, ऐसे आने का कोई प्लान नहीं था। मैं तो सिर्फ आई थी कि मिलके और वापस चली जाऊंगी, लेकिन और मेरी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऐसे है, तो अभी जहां हम दिखा रहे थे उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे कहीं और रेफ़र कर दिया है, तो मुझे अभी कहीं और जाके दिखाना है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरे मायके से जाके पॉसिबल नहीं हो पाता। और
आपको पता है हमने जो प्लानिंग की होती है ना, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान किया होता है। और मैं बस मिलने गई थी और धनवी को मिलवाने गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान ने क्या सोचा है, कैसे सोचा है, और ये सारी चीज़ें अचानक ऐसे करनी पड़ेगी। मुझे खुद अंदर से इतना दुख हो रहा है ना, क्योंकि एक तो पता होता है कि हाँ चलो आज घर चले जाना है घर से, तो एक वो होता है जैसे अचानक से जाना पड़े तो थोड़ा वो लगता है, अजीब लगता है। और फिर धनवी के लिए मम्मी को मुझे और वो लग रहा है। घर की नहीं, चलो मैं जाऊं। चलो ठीक है, जाओ। बाय धनवी। धनवी बाय कर दो। फिर उसके बाद हम लोग 9:30 बजे आए थे और 12-1 बजे हमने सोचा कि बैठ के, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ दिक्कत ये है ना कि अगर मेरी मम्मी को हम लोग थोड़ा सा भी मेरी तबीयत वगैरह को बता देते ना, तो वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको अजीब सा हो जाता है। इसीलिए और मैं जानबूझ के आज ही आई कि नहीं, मुझे मम्मी से मिलना है, क्योंकि इन्होंने मम्मी को मेरी बता दिया था कि निक्की की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसके रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, तो मम्मी बहुत ज़्यादा रो रो के परेशान हो गई थी, तो इसीलिए भी और मैं मिलने आई। और फिर खोइचा वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई थी, तो बहुत सारे कारण थे गाइस, जो कि सही चीज़ें मैं भगवान से बस आप लोग प्रे करिए कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए और इन सारी चीज़ों से भगवान मुझे जल्दी बाहर कर दे। बाकी आप सब आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। पता है बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन क्या करें। कर दो धनवी, आज तक नहीं करी है। नमस्ते, एक कुछी कर दो, अब जा रहे हो आप। नमस्ते, आपका इंतजार कर आएंगे लेने। हमारा वो सब लेके जा रही है, जब पापा ने एकदम से बोला ना कि जा रही है अब रुकेगी नहीं, मतलब उस टाइम मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि मतलब एक पता नहीं क्या है यार, शादी को कितने भी साल हो जाए मायके से ना, मतलब जाने का ही मन नहीं करता, ऐसा लगता है यहीं रहो। मतलब क्या ही बताऊँ, मायके का जो एक माँ बाप का एक अलग ही होता है। रुको, बहुत काम बाबू, अब ये इतना छोटी छोटी से परेशान हो जाएंगे, पता ही काम चल। चल फालतू में इतना वो करने की जरूरत नहीं। नहीं नानू करेंगे। नानू दादी को तो कर दो, एक कर दो बबनी, एक कर दो। बेचारी दादी कब से मांग रही है। आओ पापा, गाड़ी गाड़ी घुमा लें, गाड़ी सो गाइज। रात को हम लोग को घर आते आते 1:30 बज गया था। 1:30 बजे हम लोग घर आ गए थे और जो भी सामान जैसे तो मम्मी मम्मी ने रख दिया वैसे मैं लेके आ गई ये सब। बाकी जो भी है, क्योंकि ऐसा कुछ पैकिंग नहीं था। अभी हम लोगों ने सोचा था कि मतलब 20 तक तो एटलीस्ट मैं रहूँगी, 20 जून तक, और उसके बाद ही आऊँगी, लेकिन कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। और मेरी आंखें एकदम सूज गई हैं, क्योंकि मेरे को ना अंदर से बहुत अजीब सा हो रहा है, एकदम मैं जैसे रोना सा आ रहा है। इस बार ज़्यादा दिन रह गई ना इसलिए भी, और फिर ऐसे अचानक से आओ तो थोड़ा ज़्यादा अजीब सा होता है। और अभी मतलब मेरा था कि मैं थोड़ा सा और रुकूँ उसके बाद आऊँ, लेकिन भाई वो भी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, तो इसीलिए। और मैं बताया आपको, मेरी लाइफ में ना कोई चीज़ अच्छे से होती ही नहीं है। मतलब जब मैं अपनी लाइफ में कुछ और सोच रही होती हूँ
उस टाइम पे मेरी लाइफ में कुछ और होता है, मैं पता नहीं क्यों ऐसा होता है, और ये हमेशा है मेरे साथ। जब मैं अपनी लाइफ में सोचती हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, उस टाइम भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल अंदर से वो हो जाती हूँ कि यार ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, तो ऐसे क्यों हो गया, ऐसा वाला हो जाता है। बट कोई बात नहीं, लाइफ का पार्ट है, हर सिचुएशन में आपको रहना है, करना है। अब वापस वही ज़िंदगी, ससुराल वाली। ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, और हेल्थ से रिलेटेड कभी कोई चीज़ इग्नोर मत करिए, नहीं तो इग्नोर करेंगे तो आगे चल के ज़्यादा चीज़ें हो जाएगा, फिर शायद आपके कंट्रोल से भी चीज़ें बाहर चली जाएंगी, तब आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसीलिए एंड करते हैं वीडियो।